नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हुआ वही जो तय हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट पाकर नए बॉस बन चुके हैं, तो शशि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले हैं। जैसा कि कहा जाता रहा है कि खड़गे जो गांधी परिवार को सपोर्ट था, लेकिन ये सपोर्ट क्यों था? खड़गे के पास विरासत में ऐसा क्या है कि उनकी दावेदारी के दावे को हकीकत में बदला गया? देखिए ये रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए बॉस। शशि थरूर को मल्लिकार्जुन ने दी करारी मार। गैर गांधी अध्यक्षों की सूची में जुड़ा एक और नाम। 24 साल बाद कांग्रेस से हटा परिवारवाद का तमगा। सीताराम केसरी के हटने के 24 साल बाद आज कांग्रेस को नया गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। आजादी के बाद से अब तक 75 वर्षों में 41 साल कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार के लोग रहे हैं। वहीं आजादी के बाद से अब तक 13 अध्यक्ष गैर नेहरू गांधी परिवार से रहे हैं। इन 13 अध्यक्षों ने 35 साल कांग्रेस का नेतृत्व किया है। इस फेहरिस्ती में जेबी कृपलानी, बी पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, यू एन डेबर, एन संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, डी के बरुआ, के डी रेड्डी, पी वी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। अब खड़गे 14वें ऐसे नेता हैं जो इस सूची में अपनी जगह बना चुके हैं। बात करें खड़गे के सियासी सफर की, तो खड़गे गांधी परिवार के शुरू से वफादार रहे हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले खड़गे ने यूनियन पॉलिटिक्स की भी लंबी पारी खेली है। साल 1969 में वो MSK मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के कानूनी सलाहकार बन गए। वो संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए किए गए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 80 वर्षीय खड़गे का जन्म कर्नाटक के बीदर जिले के बारावती इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। फिर गुलबर्गा से ही सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद वकालत करने लगे। साल 1969 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमीतकल असेंबली सीट से विधायक बने। खड़गे गुरमीतकल सीट से 9 बार विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने गुड्डू राव, SM कृष्णा और वीरप्पा मोइली की सरकारों में विभिन्न विभागों में मंत्री का पद भी संभाला। इतना ही नहीं, वो 2 बार गुलबर्गा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे हैं। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो खड़गे थरूर से कई ज़्यादा वरिष्ठ, साथ ही खड़गे का राजनीतिक अनुभव थरूर से काफ़ी बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि गांधी परिवार के साथ साथ अन्य कांग्रेसियों ने भी खड़गे पर भरोसा जताया है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।